उदयपुर जिले की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। हाईवे लूट के कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार। महिला के कपड़े पहनकर वाहन चालकों के साथ करते थे लूट। जी हां, आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर पिछले कुछ समय से महिलाओं के कपड़े पहनकर नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों के साथ लूटपाट की घटनाओं के पश्चात थाना स्तर पर गठित टीम ने उक्त क्षेत्र में सघन गश्त व निगरानी रखना शुरू कर दिया। आसपास के क्षेत्रों सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्धों पर निगरानी रखना शुरू किया तो दिनांक 12/9/2024 को मुखबिर से सूचना मिली कि हाईवे पर महिला के कपड़े पहनकर वाहन चालकों के साथ लूटपाट की घटना कार्य करने वाले कुछ संदिग्ध युवक खरबिना में हाईवे के किनारे झाड़ियों में छुपे हुए हैं, जिस पर पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर दबिश देकर 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, छुर्रे, मोबाइल व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। 6 अभियुक्तों के नाम हैं नारायण पिता थावराजी खराड़ी, उम्र 19 साल, निवासी डगला फला खारा पुलिस थाना टीडी जिला उदयपुर। दूसरा है मनीष उर्फ मनीषा पिता बद्रीलाल खराड़ी, उम्र 19 साल, निवासी डागला फला खारा पुलिस थाना टीडी उदयपुर। तीसरा है मनीष पिता मोहन गमेती, उम्र 18 साल, निवासी गोरेला थाना नाई, हाल खरपीना थाना वर्धमलास जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया। इसके साथ चौथा है शांतिलाल पिता कैलाश खराड़ी, उम्र 18 साल, थाना गोर्धमलास जिला उदयपुर। पाँचवा है गोविंद पिता मंगला कलासुआ मीणा, उम्र 21 साल, निवासी कानूवाड़ा फला बिखरादारा थाना केसरिया जिला उदयपुर। छठा है नारायण पिता सूरजमल पटेल, उम्र 35 साल, पेशा चालक, निवासी कांकण सागवाड़ा फला कणजी थाना बावलवाड़ा जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया गया है।